हेलो एंड वेलकम टू टीवी का पटाका। दोस्तों, राखी सावंत के केस से के रिगार्डिंग सामने आई है बड़ी जानकारी, जिसे सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। राखी की वकील ने किए हैं बड़े खुलासे, जिसके बाद पता चलता है कि राखी के पास कितने बड़े सबूत हैं आदिल खान के खिलाफ। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर टीवी का पटाखा की इस वीडियो में। उसके पहले अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब, तो काइंडली डू सब्सक्राइब एंड नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, राखी सावंत की लॉयर फाल्गुनी ब्रह्मदत्त ने बताए हैं बड़े बड़े राज। उन्होंने बताया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की बात है कितनी सही। उन्होंने बताया कि राखी के पास हैं वीडियोस एंड फोटोज, जिसे साबित होता है कि मैसूरु में 2021 में इन्होंने की थी, यानी कि आदिल खान ने की थी एक शादी। जी हाँ, एक्चुअली पहली बात तो ये है कि राखी की शादी हो चुकी थी 2021 में मई में ही आदिल खान के साथ, लेकिन आदिल नहीं चाहते थे कि ये बात किसी को भी पता चले, इसलिए उन्होंने धमकाया राखी को कि इस बारे में वो ना करे किसी से बात। और उसी बीच उन्होंने दूसरी शादी भी की मैसूरू में, जिसके बाद राखी हो गई हैरान। उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ और तुम मेरे होते हुए किसी और से शादी कैसे कर सकते हो। इतना ही नहीं, वकील ने ये भी बताया कि ये पहला रिश्ता नहीं है, ऐसे कई सारे रिश्ते रखे हैं शादी के बाद भी आदिल खान ने। जी हाँ, दूसरी सच्चाई आई है 1.5 करोड़ रुपए के मामले में, जिसमें वकील ने बताया कि हाँ, उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए राखी के मांगे थे इन्वेस्टमेंट के लिए, और राखी के पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद बदल गया आदिल का रवैया। राखी से करने लगे बेरुखी और अलग अलग बर्ताव में उन्होंने राखी को जता दिया कि अब वो राखी से नहीं करते प्यार। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि वकील ने ये भी बताया है कि राखी बहुत प्यार करती हैं आदिल से। उन्होंने ये नौमत ना आने के लिए काफ़ी कोशिशें की हैं। उन्होंने आदिल को घर बुलाया था एक हेल्दी डिस्कशन के लिए, ताकि पुलिस तक बात ना पहुंचे, लेकिन तब आदिल खान ने की राखी के साथ मारपीट, और उस दौरान राखी को लगी काफ़ी चोट, जिसके बाद राखी को मजबूरन करना पड़ा FIR, जो कि उनका पूरा पर्सनल डिसीजन है। दोस्तों, आपको बता दें कि वकील का कहना है कि राखी को लोग झूठा समझते हैं, लेकिन राखी हैं एकदम सच्ची। वकील रह चुके हैं उनकी पर्सनल फ्रेंड और उन्होंने देखा है आदिल का ये बदलता रवैया। वकील की माने तो राखी की दोस्त, वकील खुद और कई लोगों ने उनको समझाया कि आदिल से रहें दूर, ना करें उनसे शादी, आदिल हैं बुरे इंसान, लेकिन राखी उनके प्यार में इतना डूबी हुई थी कि नहीं मानी उन्होंने किसी की बात। जब राखी थी बिग बॉस के घर पे, तब चल रहा था आदिल का किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जी हाँ, वो थे रिलेशनशिप में जिससे उन्होंने कर ली मैसूरू में शादी, और इस बात से राखी हो गई बहुत ज़्यादा परेशान। उन्होंने काफ़ी समझाया आदिल को, लेकिन बात नहीं बनी। FIR की बात भी एकदम सही है, राखी ने करी है कंप्लेन, लेकिन आदिल ने कर दी है बेल के लिए अप्लाई। वकील का कहना है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आदिल को ना मिले बेल। राखी की वकील का कहना है कि राखी गुजरी है मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल ट्रॉमा से, जिसके हैं उनके पास सारे सबूत, तो कृपया राखी को जज ना करें और उनका सपोर्ट करें। वेल, इन बड़े खुलासों पर आप क्या कहना चाहेंगे, कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा करें, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।